शुक्रिया। किस बात का? सरार को फंसाने का शुक्रिया। क्या मैंने मदद की थी आपकी? मदद तो आपने किसी और की थी, मुझे तो आपने बस इन्फॉर्म किया। क्या मतलब मैंने किसी की मदद नहीं की? इन्फॉर्म करने की इंसानियत दिखा दी तो एक्सेप्ट करने की भी करेज दिखा दी। मान ली कि सलार को ट्रैप करने में आपने उसकी मदद की थी जिसने आपको भी फ्रेम कर दी। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि साहिबा ये सब कुछ करने वाली है? तो एंड टाइम पे मैंने उसकी बात सुन ली थी तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। ये गवाही आप सबके सामने देख सकते हैं। सबके सामने? हाँ, ये सारी जिंदगी का एहसान होगा आपका मुझ पर। एहसान के बदले आप मुझे साहिबा की तरह फंसाना तो नहीं चाह रही हैं? मैं कम हैसियत जरूर हूँ लेकिन कम जर्फ नहीं। देखिए, ये आपकी लड़ाई है, मुझे इससे दूर रखें। ये लड़ाई नहीं है, सलार का कैरेक्टर, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ एक बहतान की वजह से दांव पर लग गया है। अच्छा, देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता था ना मैंने कर दी है, लेकिन अब जो आप मुझसे करने का कह रही हैं वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें मैं क्रॉस नहीं कर सकता, और उनको क्रॉस करने की ना तो मेरे डैड मुझे इजाजत देते ना ही मुझे माफी देंगे। ये इज्जत का मामला है। मैं एक बार बदनाम हो चुका हूं सितारा, मजीद कुछ हुआ तो मेरे डैड मुझे घर से निकाल देंगे। एक बार बदनाम हो चुके हैं फिर तो आपको सलार की तकलीफ और उनकी फिक्र का अंदाजा हो जाना चाहिए ना। अच्छा, उस रोज जिस दिन मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया था आपको मेरी तकलीफ का एहसास था? उल्टा आप मुझे धमकियां दे रही थी। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। उसी स्टेट ऑफ माइंड में आज सलार है, वो भी उसी तकलीफ से गुजर रहा है। उसकी और मेरी तकलीफ में फर्क है, उसके साथ उसकी बीवी खड़ी भी है, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा सगा बाप भी नहीं। मैंने सब तकलीफें अकेले फेस की थी। इस तरह तो ये भी फर्क है कि साहिबा के गंदे खेल का हिस्सा आप अपनी मर्जी से जानबूझकर बने थे और सलार पर ये कीचड़ जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। साहिबा की बातों में आके मैंने गलती की थी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। देखिए जयान, गलतियां हम सबसे होती। एक गलती वो थी जो आपने हम पर भरोसा करके, और एक गलती वो थी जो हमने आप पर भरोसा ना करके। आपने माफी मांग ली, मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा प्लीज, मेरे दिल में ग्रजेस होती तो मैं यहाँ ना आता। मुझे सालार से वाकई हमदर्दी है। अच्छा, अगर ऐसा था तो फिर साहिबा को रोकने के बजाय आपने उसके साथ क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? सिर्फ ये जानने के लिए कि वो क्या और कैसे करने का सोच रही है। अच्छा, फिर बताएं कैसे किया उसने ये सब कुछ। अच्छा ओके डन, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा नाम नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर आया तो? नहीं आएगा।
तो ठीक है, मैं सब कुछ कंपाइल करके आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरा नाम आपका सिर्फ एहसान होगा मुझे। सालार वाकई बहुत लकी है।